खबर ग्वालियर से है, जहां एक विवाहिता से उसके जेठ ने अपने साढ़ू के साथ मिलकर गैंगरेप किया। महिला ने विरोध किया और चिल्लाने की कोशिश की तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। साथ ही आरोपियों ने कहा कि किसी से कुछ कहा तो मार डालेंगे। घटना महाराजपुरा की है। घटना के समय विवाहिता का पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। पति के लौटते ही पीड़िता ने सारी बात बताई, पर बदनामी के डर से वह चुप रहे, लेकिन आरोपी उसे ब्लैकमेल करने लगे, जिसके बाद महिला और उसका पति महाराजपुरा थाना पहुंचे और मामले की शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी जेठ व साढ़ू पर गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है। उपनगर मुरार सदर बाजार निवासी 22 वर्षीय रानी की शादी महाराजपुरा के जिरेना गांव में हुई है, पर महिला अपने पति के साथ अलग रहती है। नवंबर 2021 में महिला का पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। महिला अपने ससुराल में कुछ काम से आई थी। जब वह ससुराल पहुंची तो वहां पर कोई नहीं था। घर में जेठ पदम, उसका साढ़ू हर सिंह व एक दोस्त राकेश था, इसलिए महिला वापस अपने घर लौटने लगी। उसी दौरान पदम सिंह और साढ़ू हर सिंह महिला को जबरन घर के अंदर ले गए और उसके साथ गलत हरकत करने लगे। जब महिला ने चिल्लाकर उसका विरोध किया तो जेठ ने महिला के मुंह में कपड़ा ठूंस कर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद जेठ व उसके साढ़ू ने महिला के साथ बारी बारी से गलत काम किया। वारदात के बाद महिला को वहीं छोड़कर भाग निकले। बताया जा रहा है कि महिला का पति ट्रक चलाने का काम करता है और अक्सर कई कई दिनों के लिए घर से बाहर ही रहता है। घटना के बाद किसी तरह महिला अपने घर पहुंची और पूरी घटना के बारे में पति को बताया। कुछ दिन महिला और उसका पति बदनामी के डर से चुप रहे, लेकिन आरोपी ब्लैकमेल करने लगे तो वह महाराजपुरा थाने पहुंचे और शिकायत की। महाराजपुरा के CSP रवि भदौरिया ने बताया कि एक महिला ने थाने आकर शिकायत कर बताया है कि वह अपनी ससुराल किसी काम से गई हुई थी। वहां उसे अकेला पाकर जबरन उसके साथ जेठ और जेठ के साढ़ू ने मिलकर दुष्कर्म किया है। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। एक महिला के साथ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और FIR कर ली गई है। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह महिला घर वापस पहुंची और अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में पति को बताया, जिसके बाद महिला पति के साथ थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। इसने पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी जेठ और उसके साढ़ू के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कर दोनों आरोपी तलाश शुरू कर दी है। अरुण मोरे, दैनिक भास्कर। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।